मुख्यमंत्री शिवराज के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सवाल कुछ और करते हैं और कमलनाथ जवाब कुछ और ही देते हैं। किसानों के सवाल पर जननी एक्सप्रेस का जवाब देते हैं। प्री एग्जाम में ही कमलनाथ की यह स्थिति है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव के बोर्ड एग्जाम में कमलनाथ की क्या स्थिति होगी? प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से सवाल के बारे में कहा कि सीएम सवाल कुछ करते हैं, जवाब कमलनाथ कहीं का देते हैं, पूछो किसान का और जवाब आता है खलियान का। वहीं उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बर्फ में खेलने के मामले पर कहा, राहुल गांधी पूरे रास्ते में भ्रम फैलाते रहे हैं और अंत में भी यही किया है। कश्मीर में कांग्रेस की सरकार में आग बरसती थी, मोदी जी की सरकार में शांति की बर्फ बरस रही है। इस दौरान उन्होंने बड़ी केस ऐप पर कार्रवाई को लेकर कहा, बड़ी केस ऐप लोन के माध्यम से लोगों से ठगी करने का काम करता है, जिसके कनेक्शन थाईलैंड से है, जहां से पैसे भी ट्रांसफर किए जाते हैं। एक शिकायत रंजीत के द्वारा की गई थी, उस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और सभी से ये अपील है कि इस तरह के ऐप से बचें और यदि ठगी का शिकार होते हैं तो पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी सवाल कहीं का करते हैं और आप देखें पढ़ें, जवाब कहीं और का आता है। पूछ रहे हैं खेत की, बता रहे हैं खेरान की। ये कमलनाथ जी की स्थिति, ये प्री मेडिकल एग्जाम में ही फेल हो रहे हैं वो। बोर्ड का एग्जाम जब आएगा, विधानसभा का चुनाव, तब उनकी क्या स्थिति बनेगी, इससे अंदाज आप कर सकते हो। किसानों का सवाल पूछा और जवाब दे रहे हैं वो जननी एक्सप्रेस का, इससे आप समझ जाएं कमलनाथ जी हमारे बुजुर्गवार नेता हैं, कहीं ना कहीं चूक तो कर ही रहे हैं। राहुल गांधी जी के वचन पत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं कमलनाथ जी ने, जवाब देंगे कहां से अब वो? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने पुलिस और सेना का आभार जताया, जिस पर मिश्रा ने कहा कि किसी ने तो आभार की शुरुआत की, मोदी जी और अमित शाह जी का तो आभार व्यक्त कर नहीं सकते। वहीं मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि पहले पंजाब पर आरोप लगाते थे कि वहां से प्रदूषण फैलता है, अब पंजाब में उनकी सरकार बन गई है तो गरीबों पर आ गए हैं। यमुना का प्रदूषण अभी तक दूर नहीं कर पाए, पहले अकेले मफलर बांधकर खांसते थे, अब पूरी दिल्ली खांस रही है। अखिलेश यादव के स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन पर गृह मंत्री ने कहा, तुष्टिकरण की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं, हिंदू धर्म से जुड़े मामलों पर अखिलेश यादव जरूर समर्थन देते हैं। पहले पंजाब में कहते थे कि पंजाब की वजह से हो रहा है, अब पंजाब में उनकी सरकार बन गई तो गरीबों पे आ गए, ड्राइवरों पे आ गए। पहले गलियों लगा के अकेले खांसते थे, अब पूरी दिल्ली खांस रही है, लेकिन इलाज कुछ नहीं है। नर्मदा का प्रदूषण आज तक उनने दूर नहीं किया है, यमुना का प्रदूषण आज तक उनने दूर नहीं किया है, यमुना माँ यमुना का। लेकिन आप हर बार देखिए कि किस तरह से साइड दे करके वो इस तरह के वो करते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।